ओ मंच के उद्घाटन के कार्यक्रम और कुछ पल के बाद में जो है अपने सबके समक्ष है और पहलवान सबों से भी अनुरोध है जो बाहर से आए हुए पहलवान लोग हैं, खास करके इंडिया से जो आए हुए पहलवान लोग हैं, उन सबों से निवेदन है कि आप अब यथाशीघ्र जो है सो दंडों के भीतर आने का कष्ट करें। बाहर से आए हुए संपूर्ण पहलवान जन से आग्रह किया जा रहा है मेरा समिति के द्वारा कि आप जल्द से जल्द के सभापति के जो है टेन कर देते सभा का संचालन करो के आगे उनके रहते उनके ऑर्डर से ये संचालन है और इस हिसाब से वहां जो है ऑर्डर करते हैं इस हिसाब से कार्यक्रम संचालन लेते तो अई सभा के जो अखनी एहठाम सभा जो अपने के जो है सोच चुकल थे उन सभा के सभापतित्व पद के आसन ग्रहण कर देवक लेल हम अई लक्ष्मी पूजा मेला समिति के मेला समिति का अध्यक्ष आदरणीय श्री गंगाराम यादव जी से अनुरोध करबे कि अपने अही सभा के जो है अध्यक्षता ग्रहण कर दू। कम से कम दर्शक सब आए थी अपने सबके पहलवानी से मनोरंजन हेबे करते आसन ग्रहण के क्रम में जो है से अगर जे महानुभाव अपन आसन ग्रहण करी छथिन हुनकर उत्साह बढ़ा देवक लेल कम से कम अपने सब ताली से स्वागत कर देवे हमारा आग्रह है। अब अही आसन ग्रहण के क्रम में हर नरहा गाँव पालिका नरहा गाँव पालिका आई मेला के प्रमुख अतिथि नरहा गाँव पालिका के अध्यक्ष महोदय आई मेला के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री राम शरण यादव जी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपने आसन ग्रहण कर दिए और अभी आसन ग्रहण के क्रम में आई नरहा गाँव पालिका के उपाध्यक्ष अब वही आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहा गाँव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री हरेश झा जी से हम अनुरोध करबन कि अपने आसन ग्रहण कर दियो। अब आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका नरहा वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष आदरणीय श्री सूर्यनाथ यादव जी से हम अनुरोध करबन कि अपने जो है आसन ग्रहण कर दियो। अही आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष श्री हुकुमदेव यादव से अनुरोध करबन कि अपने जो है आसन ग्रहण कर दियो। और आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष श्री अशोक शाह जी से अनुरोध करबन कि अगर अपने ये सीट अपने आसन ग्रहण कर दियो। आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष श्री ज्ञान देव सिंह जी से अनुरोध करबन कि अपने आसन ग्रहण कर दियो। आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष श्री अनुसूल अंसारी जी से अनुरोध करबन कि अगर अपने मेला में उपस्थित छे तो अपने मंच के नजदीक आकर आसन ग्रहण कर दियो। आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 असाबी के गाबिशा बरछावा वार्ड नंबर 8 के रहनिहार आदरणीय देखिए पहलवानी जगत में ई पहलवानी दंगल के जो जगत है ई दंगल जगत में बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति है आओ हमारा अहा के सौभाग्य है कि हमने अहा के गाँव पालिका के भीतर के एक सदस्य थे और वो थे श्री नंदलाल यादव जी। नंदलाल यादव जी जो कि पूर्व जो अखनी जो अखनी तक जो है उनका नेपाल सरकार के तरफ से ओहनो मान्यता दे रहा है वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष श्री अनुसूल अंसारी जी आबि गेलाह अपन आसन ग्रहण कर दियो। अही आसन ग्रहण के क्रम में नरहा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष श्री अशोक शाह जी अगर अपने आबि गेल छी तऽ
मंच के नजदीक आवे के कोशिश करियो। आई आसन ग्रहण के क्रम में लड़ा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 और साबिक के गाविश्वर नरहा वार्ड नंबर 7 के रहनियार और खलीफा के नाम से प्रख्यात, खलीफा के नाम से दंगल के जगत में बहुत प्रख्यात व्यक्ति थे, उनका हम नाम यह संबोधन करवाएं और उनका आग्रह करवाएं जो अपन आसन ग्रहण कर चिन्ह श्री तेज नारायण यादव खलीफा साहब, उनका हम अनुरोध करवाएं कि अपने आसन ग्रहण करियो। और आई आसन ग्रहण के क्रम में वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष अशोक शाह जी आ गए थे, उनका हम अपन आसन ग्रहण कर देवक लेल जैसे आग्रह करवाएं। आसन ग्रहण के क्रम में भाई आसन ग्रहण के क्रम में इलाका प्रहरी के असई साहब श्री पीताम्बर पराजुली से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपना आसन तब अपने आसन ग्रहण दिन बनना हमारे हार्दिक अनुरोध था। अब भाई आसन ग्रहण के क्रम में मानव अधिकार अधिकारी दीप कुमार यादव जी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपना आसन ग्रहण कर दियो। और आई के साथ साथ आई आसन ग्रहण के क्रम के साथ साथ और वो उपस्थित हमारे संपूर्ण पूजनीय आदरणीय दर्शक हमारे बुजुर्ग सब सब कोई देखिए मेला में आमंत्रित थे, निश्चित रूप से अपने सब कोई के लिए आई मेला के लिए प्रमुख आतिथ्य थे, उनका सबसे हम अनुरोध करबन बारी बारी से अगर नाम लग हम आसन ग्रहण करवा लगे तो 5 दिन नहीं मिलाई देते हम आज ये चीज देखे आये छी नहीं देख सकबे। ते दुआरे जे कोई जाइए छी कहियो अपन आसन ग्रहण कर कर आई मेला के जंगल के शोभा बढ़ा दियो से हमारे अपने सब में हार्दिक अपील है, धन्यवाद। तो आज वही क्रम में हम चल रहे थी मंच के उद्घाटन के कार्यक्रम है दोसर नंबर के सिरे में मंच के कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में लोग कह रहे हैं कि मंच का उद्घाटन करियो फरियाला चैलेंज है तोरा आई मैक वाला चैलेंज कर रहा है तोरा पहलवान सब के आवा आ घी भात दिखाव मंच पर आबि कर कहा फोटो खींच लो फोटो और एक हमारा अहा के नरे गांव पालिका के वरिष्ठ पहलवान के रूप में परिचित नागे भाई एक सलाह दलखिन जो मंच पर भी अपने जाए। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब बेल घंटी शेयर लाइक करने के लिए ना भूले। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब बेल घंटी शेयर लाइक करने के लिए ना भूले।